व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे प्यारे सिक्स क्लास के बच्चों हम पढ़ रहे हैं उर्दू हम आज हम पढ़ेंगे सबक जिसका नाम है सवामी विवेकानंद तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे सवामी विवेकानंद बारह जनवरी को कोलकाता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था स्वामी विवेकानंद जो थे उनका असली नाम क्या था नरेंद्र दत्ता कोलकाता में पैदा हुए 12 जनवरी अठारह को बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और ख़ुदा शनासी की तरफ था बचपन से से जब छोटे थे तो तभी वो एक नेक इंसान थे रूहानी साइड में बचपन ही से उनका रुझान था उनके वालदे की तरबियत का असर था ये ये जो था ये उनके वालदे की तरबियत ही ऐसी थी उसका ये क्या था असर था कि वो ऐसे थे उनके उनके वालिद, वालिद विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी खिदमान में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाले बेलूस शख्स थे उनके वालिद का नाम क्या था विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील थे वकील हुआ दूसरा हुआ कामयाब वकील ठीक है ना तो वो वो क्या थे समाजी में बढ़ चाड़ कर हिस्सा ले, लेते थे समाज की खिदमत करते थे उनकी वालदा का नाम ब, बानिश्वरी था वालदा के क्या नाम था भवनेश्वरी जो अपने मजहब की सच्चे पैरों और पुख्ता व किरदार की खातून थी जो अपने मज़ब पर एकदम अच्छी तरह चलती थी सच्चे उसको फॉलो करती थी फॉलोअर्स थे मजहब पर चलती थी वो और पुख्ता अच्छे रहते वाली थी उनकी सीरत जो थी वो एकदम खास थी अपने मजहब पर चलने वाली औरत अच्छी तरह विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी खेल कूद में भी मिसाली मिसाली कार मिसाली कर का मजाहरा किया वि कान जो थे एक तो पढ़ाई में भी ज़बरदस्त थे और उसके बाद मौसीकी खेल कूद में भी बेमिसाल थे कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्त मौजूद पर अपने वसी और गहरे मतलब की दाग दाग बिठा दी एक तो इन चीज़ों के साथ साथ उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से क्या की ग्रेजुएशन की और उसके साथ साथ उन्होंने मख्तल मौजूद पर वसी और गहरे मताले की दाग बिठा दी और मख्तल मौसु पर क्या करने लगे मतलब करने लगे एक वह मुताल बहुत अच्छी तरह उनको सीखने लगे पढ़ने लगे उनमें मगरबी फलसफा और तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल जिक्र है उनमें क्या क्या ख़ास चीज़ें मगरबी फ़लसफा और तारीख़ जो है वो ख़ास चीज़ें हैं जिन पर आप अच्छी तरह से पढ़ने लगे ध्यान देने लगे जवानी केयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मरल से गुजरना पड़ा जब आप जवान थे उस आपको रूहानी तौर पर नहायत क्या हुआ सख्ती का सामना करना पड़ा रूहानी अपनी इसको कायम रखने के लिए रूहानी रूहानियत जो मिजाज था आपको उसको कायम रखने के लिए जब ख़ुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा उन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर जब अल अल अल्लाह की इस पर वदनीत पर शक होने लगा अल्लाह अल्लाह की इस पर खुदा के वजूद पर तो को शक होने लगा तो उन्होंने क्या किया दिनों अपने कॉलेज के एक अंग्रेज़ी प्रोफेसर के ज़बानी श्री रामा के बारे में सुना था तो अंग्रेज़ी प्रोफेसर थे उनके तो उन्होंने रामा कृष्णा के बारे में सुना था नवंबर 1888 को ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए नवंबर 1888 ईस्वी में वो एक दिन श्री रामा कृष्णा से मिलने गए उन्होंने वही सवाल श्री रामा कृष्ण से पूछा वही सवाल जिसका जवाब उनको उससे कबल कई लोगों से पूछकर न मिला था कई लोगों पर उनसे उन्होंने ये सवाल पूछा था मगर उसका जवाब नहीं मिला तो रामा कृष्ण से भी यही सब पूछ सवाल ये था जनाब क्या आपने खुदा को देखा है श्री रामा कृष्ण ने किस किसी तोफ़ के बगैर जवाब दिया हाँ मैंने खुदा को देखा है मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्दी का मज़बूत रूहानी रिश्ता हुआ आगे जो थे रामा उनके उस्ताद बन गए किसके स्वामी विवेकानंद के एक मज़बूत रिश्ता उस्ताद और शागिदा बन गए जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां फिक्र और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुए इनका रिश्ता होने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां लाखों लोग जो थे वो फिक्री और रूहानी सा था पर नए इनकलाब से दो चार हुए उन उनको भी क्या हुआ इनकी इस इनके इस इलम की वजह से इनका इन, ये यहम सीखने की वजह से लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ उनको भी पता चला मजहब के बारे में ठीक है तो आज इतना काफ़ी है बाकी हम कल पड़ेंगे शुक्रिया